क्या कर रहे हो आप? ये क्या है? मेरी चीटी। ये देखो, ये अभी से देखो, तो ये चीटी ना काटेगी आपको। अब अंदर घुसेगी यहाँ से चीटी। अब मम्मी को दिखा जा। ये आपके कपड़े रखने की टोकरी है। चल पापा नहीं कहेंगे आज। चल ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज के हमारे नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के हो चुके हैं आपके 8:30। और देखिए, हमारा बेटा भी उठ गया है आज जल्दी है, जबकि आज अर्जुन का स्कूल नहीं है और जल्दी उठ गया बदमाश। ये ठीक 8:15 बजे उठ गया था। मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था 7:45 बजे। और ये देखो, वो बाछी ले रहा हमारा बदमाश है ना। तो दोस्तों, ये और चीकू की मम्मी गई है छत में एक्सरसाइज करने के लिए। भगवान जी का नाम लो। हाँ चलो, भगवान जी का नाम लो। लो भगवान जी का नाम। भगवान जी का नाम लो। कैसे लेते हैं बोलो, क्या बोल रहे हैं? देखा पहली बार अर्जुन कृष्ण को भी सो। कृष्ण आप करो। चलो बोलो, राधे राधे हरे कृष्ण बोलो। बोलो राधे राधे हरे कृष्णा। आय हाय 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 हाय। क्या है, कहाँ है चूहा? क्या कर रहा चूहा? क्या कर रहा चूहा? आपने राधे राधे नहीं बोला। लोग सब आपको देख रहे हैं। देखो आप क्या कर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो ना? अब सर्दियां शुरू हो चुकी है तो ठंडा पीने अब सर्दियां शुरू हो चुकी है ठंडा पानी पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घड़े का पानी है तो उसको गर्म करके दिया, हल्का गुनगुना। तो पानी सुबह सुबह पीना चाहिए, उसके फायदे बहुत होते हैं। तो मेरा बेटा भी पानी पी रहा है। मैडम भैया छत में एक्सरसाइज करने के लिए, और मैं आया हूँ अभी किचन में। किचन में मैं बना रहा हूँ हल्दी का। ये हल्दी का पानी बन रहा है और इसमें पानी बॉयल कर रहा हूँ केटली में पीने के लिए। चलिए, पानी बॉयल हो चुका है और इसमें हल्दी का पानी बन रहा है। इसमें थोड़ा सा एक लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे, तो अच्छा सा मॉर्निंग का ड्रिंक तैयार हो जाएगा, जो कि चाय के जगह हम लेते हैं। जैसे मैं चाय पीता नहीं, तो अब सर्दियों में ये पूरा सर्दी चलेगा, मस्त वाला ड्रिंक बनेगा ये। चलो जी, स्पेशल जो ड्रिंक बनाई थी उसको पीने के बाद अब दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे से, और करते हैं ओम उच्चारण और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो आप भी कीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा और पॉजिटिविटी रहेगी पूरे दिन भर, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आलस बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ ओम का उच्चारण और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप। और उससे पहले कुछ योगा की एक्सरसाइज होती है, वो दिखा नहीं पाया मैं, और मैं कैसे कहाँ से करता हूँ वो देखिए आप। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्यमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्यमोक्षीयमामृता प्रवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्वसः तत्सवितुरवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्वसः तत्सवितुरवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सीधे बैठो पहले। हाँ ऐसे नहीं है तो पार्सल आया है। अर्जुन बहुत खुश हो रहा है। क्या आ रहा है देखो अर्जुन का जीनियस। ये देखो ये क्या लाई मम्मी। टोकरी है कपड़े रखने के लिए। ये आपके कपड़े रखने की टोकरी है। ड्रेस कैंसिल कर दूंगी बता रही हूँ। चल पापा नहीं कहेंगे आज। चल ठीक है क्या 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 चीज। चलो पार्सल वो तो चले गया ना। और बारी 3 दिन के बाद आएगा आपका पार्सल। सुनते नहीं हो आप। चलो कॉल वाला हैं। कॉल वाला ठीक है वो लेके आएंगे शाम को लेके आएंगे। ठीक है पार्सल कुछ और आया है अर्जुन के हिस्से का नहीं आया कुछ। तो बंदे ने भाई ड्रामा शुरू कर दिया। देखो ये देखिए क्या आया है। ये टोकरी आई है सामान रखने के लिए कपड़े रखने वाली। तो ये किसके कपड़े रखने हैं इसमें भाई। जगह तो है नहीं तुम्हारे पास ऐसे। अच्छा अच्छा फालतू का सामान लग रहा है मुझे तो। तुम्हें तो मैं भी फालतू की लगती हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो आप। ये क्या है। मेरी चींटी। ये देखो ये अभी से देखो तो ये चींटी ना काटेगी आपको। अब अंदर घुसेगी यहाँ से चींटी। अब मम्मी को दिखा जा। चल ये देखो भाई ये देखो हाथ में चींटी लेकर आया। देखो अरे भाई क्यों चींटी काट जाएगी ना। काट रही देखो चिपकी हुई है वो पर हटा नहीं रहा उस चींटी को। चींटी के पीछे पड़ रहता है सारा दिन। और तुम ये आलू की कटोरी लेके क्यों बैठे हो तुम्हारे लड़के के लिए। तो ये देखो दोस्तों ये बदमाश मेरा बेटा कहाँ चढ़ा हुआ है। देखो इसको ये देखो अभी मैं पूजा करके फ्री हुआ हूँ और ये नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। देखो है ये देखो ना इससे कहाँ गिर गए थे बताओ। आपने चोट कहाँ गिर गया था मुझे तो मालूम ही नहीं है मैं कहाँ गिर गया था है? आपको नहीं पता। आप सब्जी लेते रहते आप भाग गए थे। आपको चोट लग गई। अच्छा अभी मैं आपको दवाई लगाता हूँ। ठीक है अभी थोड़ी देर में लगाएंगे दवाई। अभी ऐसे कि 10 सेकंड अभी लगा। अच्छा चलो ठीक है अभी लगाते हैं। पता नहीं कौन सी ट्यूब लगा दी। एक्चुअली मैंने थाई मारी थी तो जो रॉड होती है ना वेट के साथ कंधे पर रखनी पड़ती है उसके चलते थोड़ा सा छिल गया होगा। शिकायत कर रहा है मेरी। यहाँ पीछे लग गई होगी चोट। कहाँ से आए हो। तो अभी तो आप चाचा कह रहे हैं। चाचा कहाँ है। ये मुझे चाचा बोल रहा बदमाश।
कौन सा सामान लेके आ रहे हो? ये क्या सामान है भाई? बदमाश। बढ़िया से नाश्ता पानी हो चुका है और मैं जा रहा हूँ आप चिकू को छोड़ने के लिए नानी के घर, और चिकू हो रहा है अंदर तैयार। बढ़िया से फर्स्ट क्लास नाश्ता हो गया जी आज। है लड़का स्मार्ट बन गया भाई, अब ठंडा तो नहीं लगेगा ना? हाँ हाँ स्पाइडरमैन। हाँ अरे पहले ढंग से तो कर ले इसको, कहाँ भागने की लगी है। नहीं अब बाहर ही पहनूंगा मैं, बाहर पहन लूंगा, बाहर 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 बाहर। थैंक यू। अरे वाह मेरा बेटा बहुत बहुत समझदार हो गया भाई। अरे ये देखो भाई, यहाँ देखो यहाँ देखो भाई साहब घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं। ये देखो, अरे इधर तो दिखा दें, ये देखो देखो। बाबा को नमस्ते करो, नमस्ते करो, राधे राधे करो। वो घूमने के लिए जा रहे, देखो पूरा अपना बैग पैक। नानी यार और कहीं नहीं, तेरी कैसे हिला रहा देखो इसको। ये देखो भाई चिकू बाइक में बैठ चुका है, देखो खुद ही स्टार्ट कर ली इसने। ये देख, हाँ ये देखो। तो जी हम आए थे कबूतरों को दाना डालने के लिए और गाय को रोटी खिलाने के लिए। तो ये देखिए चिकू बदमाशी कर रहा बाइक में पूरी, और अब चिकू को छोड़ने जा रहा हूँ मैं उसकी नानी के घर, है ना। हाय कर दे, हाय कर दे, हेलो कर दे, हेलो भाई। ये तो लगा हुआ है अपने काम पर ही, बाइक में बैठने के बाद इसको कोई मतलब नहीं होता है। और भाई दिल्ली में प्रदूषण इतना जबरदस्त है कि मास्क लगाना पड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे रोड पे सब जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देखो ये देखिए, आपको दिख पा रहा होगा फ्लाईओवर के आसपास में कितना धुआं धुआं सा लग रहा है। तो ये सारा प्रदूषण है, और जैसे कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन हो चुकी है, तो देखो मतलब प्रदूषण कितनी भारी मात्रा में है। दिल्ली वाले को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और भाई डॉक्टरों की तो मौज आ गई। हॉस्पिटल में जो दमे के मरीज होंगे ना, हार्ट के मरीज, वो बहुत ज़्यादा भर्ती होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे। तो अपना ध्यान रखें दिल्ली वालों, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ये चीकू महाराज जी आ गए नानी के घर से, और आने के बाद देखो क्या कर रहे हो आप ये? मैं बॉलिंग खेल रही हूं। अच्छा बॉलिंग खेल रहे हो, कल ये वाला खिलौने लेके आया था, और जहाँ भी देखो आज वही, रात को इसी को लेके सो रहा था, है ना। सो रहे थे, क्यों सो रहे थे? चलो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है मेरी गलती नहीं है वो। चलो चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, चलो चलो जाओ मम्मी के साथ बैठो, जाओ जाओ चलो, कोई बात नहीं बाद में खेल लेंगे यार। अब इससे बॉल से तो गिरेगा नहीं, तो अभी हाथ से ये बस हो गया, बस बस बस। ओ तेरी, सारे नीचे गिरा दी, देखा। चलो पढ़ाई कर लो, चलो चलो ये। तो देखिए मैं अपने बेटे को पराठा खिला रहा हूँ, आलू का पराठा। अरे ये मेरा बदमाश लोटपोट हो जाता है। अरे इसमें इसने छोटी छोटी कारें जो खिलौने वो डाले हुए हैं, और सामने चल रहा है आपका कार्टून। नहीं बेटा ये बैड हैबिट्स होती हैं, ऐसे लेट के खाना नहीं खाते बैठते। चलो आपको गुड बॉय बनना है ना, ये देखो गुड बॉय बनना है ना आपको, तो बैठो, सिट डाउन, गेट अप, आजा, शाबाश, मेरा बेटू बहुत अच्छा है ना, आप तो गुड बॉय हो, है ना, ये गुड बॉय है भाई। हाँ अभी पराठा खत्म करने वाला है मेरा बेटा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरे की सेवा करता है वो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। भगवद गीता में इस श्लोक का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शूद्र वर्ण का होकर भी कोई व्यक्ति अगर पंडित से ऊंचे कर्म करता है
तो उसका पंडित से भी ऊंचा स्थान होता है। तो बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एक अच्छे वीडियो में। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।